मैं हूं मनन गोस्वामी और आप जुड़ चुके हैं अपना लाइव डॉट न्यूज से। दोस्तों आज हम मौजूद हैं गोपालगंज और यह है पोस्ट ऑफिस चौक, और यहां जो आप पीछे में जो लोगों को देख रहे हैं चाइना पे आक्रोशित लोग हैं, जो जवानों का जो खुलेआम जो उन्होंने अत्याचार किया है उसके खिलाफ पूरे ज़िले में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ मौजूद है हमारे कुछ भाई लोग और इनसे हम जुड़ रहे हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सीधे आप लोग सुनिए उनकी बात और कितनी क्रोध है इन लोगों से खुद जानते हैं। भाई साहब आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, यहीं सरिया वार्ड नंबर 5 और 4 के यहाँ बच्चे हैं जी। सब बच्चे बहुत आक्रोशित हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं हम लोग कि चाइना ने जो हमेशा दगाबाजी किया, पीछे हट के आगे आकर हमारे सैनिकों के साथ जो घात किया, हमारे सैनिकों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। 20 सैनिकों ने 4300 को मार के गिराया और अपना वर्चस्व रखा, लेकिन बावजूद इसके कुत्ते हजार मरे तो हमको गम नहीं है, शेर एक मरता है तो हमें तकलीफ हो रहा है। हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, ये हम चाइना को संदेश देना चाहते हैं कि सैनिक तो हमारे अलग हैं, हमारे बिहारियों को केवल इजाज़त दे दिया जाए तो हम लोग चाइना पे भारी पड़ेंगे, इसका हम लोग आश्वस्त हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी फैसला लेने में सबसे अग्रणी है, ठीक है, एकदम उनका फैसला एकदम अडिग होता है और हमको बहुमत उनको भरपूर दिया गया है, इसीलिए कि आप फैसला तगड़ा कीजिए। हम यही चाहते हैं कि चाइना जो चुपचाप हमला करता है, चीनी हिंदी भाई भाई वाला संदेश हटा के चीनी हिंदी बाय बाय वाला संदेश अब हम लोग लेना चाहते हैं और चाइना को पूरी तरह से बायकॉट करके आर्थिक रूप से उसको निहत्था कर देना चाहते हैं हम लोग। चाइना के सामान का भी बहिष्कार हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाइना जिस चीज से मजबूत होता है वो तमाम काम हमको नहीं करना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रियाज अली साहिल और यहाँ यहाँ कुछ बच्चे जो हैं जिनका नाम लेने बगैर हमको रहना ठीक नहीं रहेगा। ये लड़का अतुल कुमार पांडे, ये लड़का बहुत बहुत मेहनत किया इसके लिए, ये लड़का साहिल, ये लड़का बहुत मेहनत किया, ये लड़का फिरोज बहुत मेहनत। साथियों एक बात बता दें, किसी संस्था के ये लोग नहीं है, किसी पार्टी के ये लोग नहीं है, ये आम जनता है, आम यूथ है और यूथ क्या चाहती है हम खुद एक सबसे हम बात करवाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दा पे? इतना मतलब घिनौना काम चाइना के द्वारा किया गया, क्या कहेंगे? देखिए कहना तो यही चाहेंगे कि अपने देश के हित में, पहले तो चाइना ने ये कोरोना वायरस लाके हम हिंदुस्तान में आर्थिक रूप से जो है लॉकडाउन लगा, सब उन लोगों को ही देने जो वुहान शहर के चाइना से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक मुद्दा शांत हुआ नहीं था, आक्रोश पहले ही से सारे देश में व्याप्त था कोरोना के खिलाफ। अब चाइना ये चाह रहा कि हमारे देश से अगर पंगा ले तो हमारा देश भी उनसे पीछे हटने वाला नहीं है, चुप बैठने वाला नहीं, चुप बैठने वाला तो नहीं है। जब पाकिस्तान जैसे देश से हारने वाला, तो चाइना फिर भी बड़ा है लेकिन हम लोग का हिंदुस्तान भी काफ़ी अच्छा देश है और जो हमने हमारे प्रधानमंत्री हैं उनमें हम उनको पूरा भरोसा है। वो इन जो हमारे जवानों जितने जवानों का हानि हुआ वो तो सही हुआ है, जवान हम लोग खुश हुए हैं, हम लोग सम्मान करते हैं उन जवानों को, देश के जवानों को सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि चाइना को इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं देश के हित में, देश के ये सब युवा हैं, देश के प्रति कितना ये है कि आप बारिश हो रहा है, आप मौसम देख सकते हैं यहाँ बारिश हो रही है, उसमें भी ये जवान ये दिखाना चाहते हैं कि चाइना तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ कुछ और साथी लोग हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा ये अगर चाइना एक मारेगा तो हम एक नहीं 100 मारेंगे, उसके घर में घुस के मारेंगे। और रहा बात हमारे सैनिकों का बात, तो उन लोगों की जो वीर है जो शहीद हुए हैं उनकी शहीद कुर्बानी खाली नहीं जाएगी, सबसे पहले ये कहेंगे। जी बिल्कुल, अपने नरेंद्र मोदी भी बता चुके हैं कि बदला लिया जाएगा। बिल्कुल, और जब भी ऐसा बात बोले हैं कि बदला लिया जाएगा तो बदला लिए। सर जी एक विशेष बात हमें कहना है वो कि जो शहीद हो गए हैं हमारे सैनिक वो तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन उनका एक चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उनके घर को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ उनके आर्थिक रूप से भी आगे ध्यान दिया जाना चाहिए। मोदी जी से हमारा निवेदन है। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? क्या क्या सारा संदेश यही है कि 1962 नहीं, ये 2020 है, नया भारत है, नया भारत है। हर एक चाइना दूर होएगा, मरेगा खोएगा, चाइना दूर होएगा, मरेगा खोएगा, चाइना दूर होएगा, माता के
वंदे शहीदों की कुर्बानी, याद रहेगी हिंदुस्तानी। वीर शहीदों की कुर्बानी, याद रहेगी हिंदुस्तानी। भारत माता के वंदे। तो साथियों, आपने देखा कैसे युवाओं में आक्रोश व्याप्त है चाइना के खिलाफ। राजेंद्र चौक, गोपालगंज के राजेंद्र चौक पे खड़े हैं और यहाँ किस तरीके से लोगों में आक्रोश व्याप्त है आप खुद देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चाइना के कान तक ये बात पहुँच जाए कि वहाँ के लोग और वहाँ के युवा, इंडिया के युवा इस हालात में हैं कि खुद चाह रहे हैं कि अगर हमको मौका मिल जाए तो हम जाके बदला निकाल लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।